हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल सी सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सो दोस्तों, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बेसिकली रिलेटेड है एफ ऑफ टी को अगर एफ ऑफ टी माइनस ए से रिप्लेस किया जाए। तो अगर मुझे एफ ऑफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म पता हो तो एफ ऑफ टी माइनस ए का कैसे फाइंड करेंगे, ये बेसिकली हमें इस प्रॉपर्टी के थ्रू पता चलता है। तो इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज गिवन टू अस विच इज फी ऑफ एस, देन इफ देर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ ऑफ टी माइनस ए, टी को देखिए किससे रिप्लेस किया गया है, टी माइनस ए से, से इट इज जी ऑफ टी। तो उसको मैंने एक नया नाम दे दिया जी ऑफ टी। बट यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ये फंक्शन तब एग्जिस्ट करेगा अगर टी ग्रेटर देन ए है। अगर टी लेस देन ए है तो जी ऑफ टी का आंसर जीरो हो जाएगा। ओके, तो ये आपको यहाँ पे नोट करना है। मतलब बहुत सिंपल सी चीज है, टी का जो वैल्यू है वो अगर ए से बड़ा है, ए से बड़ा है तो ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है, अगर ए से छोटा है तो ये जी ऑफ टी का वैल्यू जीरो हो जाता है। तो इस तरह की कंडीशन आपको एग्जाम में दी गई होगी। तो अगर इस तरह का ग्रेटर देन और लेस देन वाला कंडीशन दिया गया है जिसमें लेस देन के लिए जीरो और ग्रेटर देन के लिए कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तो समझ जाइएगा सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आया है। आगे मैं कराऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन। तो क्या कहता है बेसिकली प्रॉपर्टी कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी यानी एफ ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू जो पुराना वाला आंसर था उसको सिर्फ ई ऑफ ई रेज टू माइनस ए एस से मल्टीप्लाई कर दो। तो कैसे दोस्तों प्रूव करेंगे, बहुत ही आसान है। यहाँ पर सबसे पहले मैं लैपलास ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन दिखाता हूँ आपको। तो ये लैपलास ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन है। यहाँ पर हम लोग दोस्तों इसे थोड़ा सा स्प्लिट करेंगे। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं लैपलास ट्रांसफॉर्म में एफ ऑफ टी को रिप्लेस कर देता हूँ जी ऑफ टी से। तो एफ ऑफ टी को रिप्लेस कर दो जी ऑफ टी से, क्योंकि मुझे जी ऑफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है ना। सो वी विल हैव जीरो टू इन्फिनिटी जी ऑफ टी ई रेज टू माइनस एस टी डी टी। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें दो यहाँ पर इंटरवल्स दिए गए हैं, एक ग्रेटर देन ए और एक लेस देन ए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरवल स्प्लिट करेंगे। एक इंटरवल लेके जाएंगे जीरो से ए तक जी ऑफ टी ई रेज टू माइनस एस टी डी टी, और दूसरा इंटरवल लेकर जाएंगे ए से लेकर इन्फिनिटी तक। बहुत ही आसान है समझना, जो ओल्ड इंटरवल था वो जीरो से इन्फिनिटी था, है ना। तो जीरो से इन्फिनिटी को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, जीरो से लेकर ए तक, ए से लेकर इन्फिनिटी तक, है ना। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में ऐसा कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमें मिलेगा जी ऑफ टी ई रेज टू माइनस एस टी डी टी। सो दोस्तों क्या कहा गया यहाँ पर कि भाई अगर टी लेस देन ए है, यानी जीरो से ए के बीच में कहीं पर भी है, तो आंसर जीरो होगा जी ऑफ टी का। तो जी ऑफ टी जीरो रहेगा इस वाले केस में। ओके, तो यहाँ पर हमें जी ऑफ टी क्या पुट करना है, जीरो, और ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ये। और इस सिचुएशन में जी ऑफ टी का वैल्यू क्या रहेगा, एफ ऑफ टी माइनस ए। सो वी हैव लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए से इन्फिनिटी। आई थिंक आप समझ रहे हैं, यहाँ पर जी ऑफ टी की जगह मैंने जीरो पुट किया फर्स्ट वाले टर्म में, बिकॉज दिया गया है टी लेस देन ए के लिए आंसर जीरो रहेगा। और ग्रेटर देन ए यानी ए से इन्फिनिटी के बीच में जी ऑफ टी क्या पुट करना है, एफ ऑफ टी माइनस ए देन ई रेज टू माइनस एस टी डी टी। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन अगर आपने 12th में पढ़ा होगा तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों इस सेमेस्टर में ज़्यादातर चैप्टर्स इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, मैं सजेस्ट करूंगा आप इंटीग्रेशन का कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए। यहाँ पर टी माइनस ए जो है उसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे से टी माइनस ए इक्वल्स टू रैंडम वेरिएबल एक्स। सो दोस्तों अगर हम बोथ साइड डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलेगा डी टी इक्वल्स टू डी एक्स। एक और चीज नोट करने वाली है, अगर टी का वैल्यू ए होता है, जब टी ए रहेगा तो एक्स क्या रहेगा, जीरो, और जब टी का वैल्यू इन्फिनिटी रहेगा तो ए भी एक्स भी क्या रहेगा, इन्फिनिटी। ओके, तो जो लिमिट है वो ए से इन्फिनिटी के बजाय अब जीरो से इन्फिनिटी जाएगा, और हमें मिलेगा लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी माइनस ए की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, एक्स पुट करेंगे, देन ई रेज टू माइनस एस। दोस्तों यहाँ पर जो टी है उसकी जगह यहाँ से आप देखेंगे तो टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, सो वी कैन राइट एक्स प्लस ए, और डी टी की जगह तो सिंपली डी एक्स आएगा। ठीक है, तो और भी इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हमें थोड़ा सा यहाँ स्प्लिट करना होगा ई के पावर को, तो कैसे करेंगे देखिए, जीरो से इन्फिनिटी, ये जो यहाँ पर दोस्तों एस इंटू एक्स प्लस ए है, तो इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ई रेज टू माइनस एस एक्स, है ना, देन माइनस एस ए, ऐसे लिख सकते हैं ना। फिर ये दोनों को ऐसे भी तो लिख सकते हैं स्प्लिट करके, देखो जो पावर है उसे कुछ इस तरह अलग से लिख सकता हूँ। ओके, तो उसके बाद क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा मैं,
ये जो e रेज टू माइनस ऐसे है ये कांस्टेंट है क्योंकि इसके अंदर x का टर्म नहीं है, इंटीग्रेशन आप x के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो अगर जिस जिस टर्म में x नहीं है वो कांस्टेंट रहेगा। तो दोस्तों e रेज टू माइनस ऐसे में आउटसाइड ले ले सकता हूँ। और अब ये जो पूरा का पूरा बचा हुआ है ये एक्चुअली में क्या है, अगर आप देखेंगे तो दिस इज लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो वी हैव दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज इंटीग्रेशन, ये मैं नीचे का रफ कर देता हूँ यहाँ का। सो सी, आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि दोस्तों डेफिनेट इंटीग्रेशन में वेरिएबल का नाम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जैसे व्हाट इज आंसर ऑफ जीरो से इन्फिनिटी टी डी टी एंड व्हाट, सॉरी नॉट इन्फिनिटी, कुछ रैंडम वैल्यू लेता हूँ, जीरो से जीरो टू टू, वन मिनट, सपोज आई हैव इंटीग्रेशन जीरो टू टू टी डी टी, ओके, एंड आई हैव इंटीग्रेशन जीरो टू टू यू डी यू, तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा ना, बिकॉज एंड यहाँ भले यहाँ पर यू और टी है पर एंड में तो लिमिट ही पुट करना है, तो अंदर लास्ट का आंसर कॉन्स्टेंट ही होगा। तो अगर जो फंक्शंस है वो सेम टाइप के हैं, नाम अलग होने से कुछ नहीं होता, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर एक्स जो है उसको हटा कर मैं यहाँ पर एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, फिर से वापस से हम लोग यहाँ पर टी लिख सकते हैं, ठीक है, तो नाम से कुछ भी फर्क पड़ता नहीं है। सो दोस्तों अब ये जो इंटीग्रेशन है हमारे पास ये एक्चुअली में क्या है, दिस इज गिवन फी ऑफ एस, सो वी हैव टी रेज टू माइनस एस ए फी ऑफ एस, और ये एक्चुअली में इसका आंसर है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी। तो बहुत ही सिंपल है ये थ्योरम, बेसिकली आपको सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है कि टी ग्रेटर देन ए के लिए ये होना चाहिए फंक्शन, जो भी ओरिजिनल फंक्शन था उसमें टी को रिप्लेस किया जाएगा टी माइनस ए से, और टी लेस देन ए के लिए वो जीरो होना चाहिए। तो आगे मैं आपको इसके बारे में और डेप्थ में बताऊंगा जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आइए कुछ और थ्योरम्स देखते हैं।